हेलो दोस्तों, मैं हूं कंचन अवस्थी और आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन से घरेलू उपाय हैं जिनसे आप रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में आयरन को धारण करने वाला वो प्रोटीन होता है जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन के संचार का काम करता है। हीमोग्लोबिन कम होने का प्रमुख कारण खाने में न्यूट्रिएंट्स की कमी का होना है। इस कमी को दूर करने के लिए डॉक्टर भी आयरन और विटामिन्स के सप्लीमेंट देते हैं जिनसे इस समस्या में काफी हद तक राहत मिलती है। लेकिन प्रकृति में कुछ ऐसी चीजें उपलब्ध हैं जिनका सेवन करने से हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ जो आयरन से भरपूर हैं, जैसे पालक, मेथी, बीन्स, चावल, दाल, तूर दाल, उड़द की दाल, बाजरा, मकई आदि। और अगर ड्राई फ्रूट्स में देखें तो किशमिश और बादाम। और अगर हम नॉन वेजिटेरियन की बात करें तो उसमें मांस और मछली आयरन के सबसे प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। विटामिन सी की कमी को पूरा करने वाले खाद्य पदार्थ पपीता, अमरूद, अंगूर, स्ट्रॉबेरी और संतरा ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए काफी हद तक सहायक होते हैं। और साथ ही कुछ ऐसी सब्जियां जैसे कि शिमला मिर्च, गोभी, ब्रोकली, टमाटर, पालक आदि ऐसी सब्जियां हैं जो कि विटामिन सी के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। अगर विटामिन सी की कमी पूरी हो जाती है तो आपकी हीमोग्लोबिन की कमी भी पूरी हो जाती है। फॉलिक एसिड की कमी को पूरा करने वाले खाद्य पदार्थ। जब हमारे शरीर में फॉलिक एसिड और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है तो ऐसे में रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज कम बनने लगता है और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। ऐसे में दाल, मटर, छोटा बंद गोभी यानी ब्रसल स्प्राउट, सूखे बीन्स, बादाम, केले और अनानास का अपने खाने में जरूर उपयोग करना चाहिए क्योंकि ये फॉलिक एसिड के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के अन्य तरीके। अगर आप अपने आहार में ड्राई हर्ब्स का सेवन करते हैं तो आयरन को सोखने की प्रक्रिया बढ़ जाती है जिससे अनीमिया होने की संभावना काफी हद तक नियंत्रित हो जाती है। ड्राई हर्ब्स में धनिया, पुदीना, मेथी, तेजपत्ता और तुलसी आदि ऐसे हैं जो आयरन को सोखने में काफी हद तक मदद करते हैं। एक कप बीटरूट का जूस और एक कप एप्पल का जूस लें और उसमें एक चम्मच हनी मिलाएं और दिन में एक बार लें। ऐसा करने से हीमोग्लोबिन की मात्रा काफी हद तक बढ़ जाती है। रोजाना दिन में दो बार एक केला और एक चम्मच शहद लें। ऐसा करने से भी आपको फायदा मिलेगा। रात में सोने के पहले 10 काले किशमिश को भिगो कर रख दें और दूसरे दिन सुबह उठकर इसका सेवन करें। ऐसा करने से भी आपको लाभ मिलेगा। टमाटर का जूस और एप्पल का जूस मिलाकर दिन में एक बार पिएं। ऐसा करने से हीमोग्लोबिन की मात्रा काफी बढ़ जाती है। शुद्ध शहद यानी हनी आयरन का सबसे बड़ा स्रोत है। इसको आप किसी भी रूप में ले सकते हैं। अगर आप इन चीजों का प्रयोग करते हैं या अपने खाने में इन सब चीजों का सेवन करते हैं तो आपको एनीमिया की समस्या कभी नहीं होगी और आपकी हीमोग्लोबिन की मात्रा भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, इसी के साथ हीमोग्लोबिन बढ़ाने के घरेलू उपाय पर बना यह स्पेशल वीडियो यहीं समाप्त होता है। इसी तरह के घरेलू नुस्खे जानने के लिए आप हमारे चैनल इमाम दस्ता को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल इमाम दस्ता का मकसद बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर भगाना और छोटी से छोटी बीमारी को पास ना आने देना है। थैंक यू। आज मैं कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताने वाली हूँ जिनसे आप अपने तनाव को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल इस कंपटीशन भरी लाइफ में हर इंसान चिंता और तनावग्रस्त नजर आ रहा है।